नौजवानों में बढ़ते हार्ट अटैक और एक्सरसाइज के दौरान हो रहे हार्ट अटैक के मामले को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 7 टिप्स दी गई जा रही हैं जिनका ध्यान रखने पर लोग हार्ट अटैक के शिकार होने से बच सकते हैं। पहला वजन, दूसरा खुराक, तीसरा तंबाकू, चौथा खान पान, पांचवा ब्लड प्रेशर, छठा शुगर और सातवा कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर प्रभाकर करण ने बताया कि एक्सरसाइज करना बेहतर है, लेकिन स्ट्रीम एक्सरसाइज करना खतरे से खाली नहीं। पहले ही 10 किलोमीटर की स्पीड में नहीं दौड़ना शुरू करना चाहिए, स्टार्ट स्लोली करना है और 15 दिन तक 1 किलोमीटर 15 मिनट में चलना है। धीरे धीरे करके जब 1 महीना पूरा हो जाए तो इसका समय 12 मिनट घटकर करा सकते हैं। सांस फूलने लगे तो रुक जाना चाहिए, ज्यादा सांस फूलने लगे तो खतरा है। डॉक्टर नीतीश नायक ने कहा कि तंबाकू और शराब के सेवन नहीं करना है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। बीपी या डायबिटीज हो तो डॉक्टर के गाइडलाइंस के अनुसार खान पान करना चाहिए, जो चीजें पसंद हो वो लिमिट में खाना है, ओवर लोड के हिसाब से यानी कि ओवर डोज नहीं लेनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और गुस्से को मन के अंदर नहीं रखना है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है, शुगर कोलेस्ट्रॉल और बीपी की जांच नियमित रूप से कराएं। इसी को लेकर ये पूरा जागरूक कार्यक्रम जो है एम्स अस्पताल के अंदर रखा गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जनसंपर्क अभियान लोगों को 7 उपाय पर ध्यान देने के लिए और उनको अमल में लाने के लिए चलाया गया है, जिसमें लोग जागरूक हो सकें। डॉक्टर ने यह भी कहा कि 8वां जो दिक्कत हो रही है वो दिल्ली में पर्यावरण को लेकर हो रही है, इसका भी असर कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता है। और उसी को लेकर जिस तरीके से, क्योंकि लगातार जो है आज की युवा वर्ग की जो पीढ़ी है उसके ऊपर भी हार्ट अटैक का अटैक देखने को मिला, जिससे उनकी जान जा रही है, उसी को लेकर एम्स के अंदर ये जो है जागरूकता अभियान कार्यक्रम जो है वो चलाया गया और जो 7 टिप्स थी वो बताई गई कि किस तरीके से आप अपने आप को हार्ट अटैक से दूर रख सकते हैं, यानी कि खान पान के साथ साथ जिस तरीके से जो एक्सरसाइज है उस पर कैसे ध्यान रखना और किस तरीके से आपको चलना है। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है यहाँ पर चर्चा करी गई। एम्स के अंदर ये पूरा जो जागरूक कार्यक्रम है वो किया गया और उसमें सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तुरंत स्ट्रीम एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि वरना हो सकता है आपको भी हार्ट अटैक, और इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये जागरूक कार्यक्रम जो है एम्स के अंदर किया गया। कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, लेट्स हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर। ये 7 टिप्स होती हैं जिससे हम हार्ट डिज़ीज़ को आगे होने से रोक सकते हैं। इसमें अहम बात यह है कि इसमें से 4 ईज़िली मॉडिफाइड लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे खान पान, अल्कोहल नहीं लेना, तम्बाकू का सेवन नहीं करना, रेगुलर एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी करना और टाइम पे सोना और स्ट्रेस नहीं करना। इन यदि हम रेगुलर लाइफस्टाइल, ये हर एक चीज़ हम अपनी लाइफ जीवन शैली में अपना सकते हैं और इससे हम हृदय के रोग को रोक सकते हैं। जो बाकी 3 रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों चीज़ बिल्कुल किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर फिजिशियन से हम अपना ब्लड प्रेशर शुगर टेस्ट करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करा सकते हैं, और यदि हम इन 7 चीज़ों का ध्यान रखें तो हृदय रोग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज कौन कौन पे हमने आज हृदय रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभाकर, हमारे शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल टंडन, एनवायरनमेंट हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा प्रभाकर एंड मायसेल्फ, हम लोग सब यहाँ पर थे। ये प्रोग्राम एक मतलब एक जनसंपर्क का प्रोग्राम था, इसमें खाली कुछ जो आम जनता के लिए हृदय संबंधित जो जानकारी आसान भाषा में उनको बताने का प्रयास था, और उनमें बेसिकली यही 7 मोटे मुद्दे उठाए गए थे। एक शारीरिक वज़न, खुराक, तंबाकू और किस प्रकार का खान पान, और 3 जो हम मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का, इन 7 चीज़ों को लेकर हम कितना ध्यान दे सकते हैं ताकि हृदय रोग से हम अपने आप को बचा पाएँ। तो यही आज का जो हमारा
जो उद्देश्य था वो यही था। तो यहाँ पर सर कार्डियो के डॉक्टर थे, ब्लड शुगर के डॉक्टर थे, और भी कुछ डॉक्टर थे ऐसे? अधिकतर दो थे, एक मैडम जो थी डॉक्टर पूर्णिमा, उनका तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैसेज था कि ये सात तो मैंने आपको मुद्दे बता दिए, आठवां मुद्दा है जो हम वैसे सोचते हैं इसके बारे में बहुत, क्योंकि आजकल एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन, लेकिन अधिकतर लोग इसको फेफड़ों के साथ संबंध रखते हैं, जो उनका दुष्प्रभाव फेफड़ों पे पड़ता है, लेकिन ये जानकारी बहुत आवश्यक थी कि उस वो साथ ही साथ में हार्ट के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो ना केवल वो सात चीज़ें, जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और उसमें जैसे पहलू ये भी आप देखिए कि अगर आपको हम चाहें कि आप वॉक करें, अगर आपने इतना अर्बनाइजेशन कर दिया कि हर जगह बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी होगी, तो आदमी मतलब कहाँ जाएगा वॉक? अगर कोई साइकिल करना चाहे तो साइकिलिंग संभव है कि नहीं है, कि उतना ट्रैफिक है कि उस बीच में साइकिलिंग करना उनके लिए मतलब दिक्कत भी आ सकती है। तो इसीलिए ये मतलब ये जनरली मतलब मोटी मोटी जानकारी देनी थी। कुछ ऑब्वियसली ऐसे सभा में लोग अपने अपने पर्सनल स्वास्थ्य के सवाल पूछते हैं, उनकी जवाबदारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर विस्तार में नहीं मालूम हो तो वो। सर कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिम करते करते 30 साल के लड़के जो है एक्सपायर, क्या कर तो है? हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। कई बार क्या होता है कि मतलब जिसको अंदर ऐसी कोई परेशानी है, और एक साथ से जिसने कभी भी एक्सरसाइज ना करी हो, वो अपने जोश में आके खूब सारी एक्सरसाइज कर ले, तो हृदय पर असर पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग, उनमें ऐसा भी होता है कि अंडरलाइन कुछ मतलब पैदाइशी डिफेक्ट भी होता है जिसके बारे में वैसे नहीं पता लगता है, लेकिन अगर एक साथ से बहुत फिजिकल एक्टिविटी ओवर एग्जर्शन हो गया तो भी ये दिक्कत आ सकती है। थैंक यू। ये जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने की रिवाज जो है वो नया शुरू किया है लोगों ने, पहले तो हमें एक्लिमेटाइज़ करना। अगर हम एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करते हैं एकदम मतलब 10 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ना, वो सब नहीं करना है, धीरे धीरे से बढ़ाना। इवन इफ़ यू आर नॉर्मल, धीरे धीरे से बढ़ाना। एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस कैन एक्चुअली बी वेरी हार्मफुल, तो वो नहीं करना चाहिए। तो हम सुनते रहे हैं सेलिब्रिटीज़ का भी हुआ है, तो ये कोविड के बाद लोग क्या शुरू कर दिया कि फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टार्ट स्लोली एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज। मेरे मरीजों को मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको वॉकिंग शुरू करना है आप शुरू कर लीजिए, पहले दिन में आप 15 मिनट में 1 किलोमीटर करेंगे, 15-16 मिनट 17 मिनट में, और एक हफ्ते के अंदर उसको कम करेंगे, एक महीने के अंदर आप 12 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर करने की कोशिश करिए। एंड डिपेंडिंग ऑन द एज ऑल्सो, अगर इफ़ यू आर 70 ईयर्स ऑफ एज, इवन 15 मिनट्स, 1 किलोमीटर इन 15 मिनट्स इज़ वेरी गुड। तो आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे, जब आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा तो वहाँ तक करना है, उसके बाद रेस्ट कर लेना। बहुत ही सांस फूलना इज़ नॉट वेरी गुड, जब शुरू हो जाता है तो बंद कर लीजिए और दोबारा शुरू कर लीजिए। तो सर आज जो यहाँ पर काफ़ी देखें कि कार्डियो के इंडो के डॉक्टर थे, तो कैसे, कौन ऐसा टिप था कि सबसे ज़्यादा उस पर जो है मरीज जो है एहतराम करे? सारे आप क्या पूछ रहे हैं? आज जो सात टिप्स, कौन ऐसा खास है सात टिप्स में जो कि सेवन सिंपल थिंग्स, सात टिप्स में एक तो तंबाकू का सेवन नहीं करना है। अगर शराब नहीं लेते हैं तो शुरू नहीं करना है। शराब लेते हैं तो कम मात्रा में लेना है, बट ना लेना बेहतर है, ठीक है। तीसरी बात है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या और कुछ प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन उसको लेना है। चौथी बात है अबाउट आवर डाइट। डाइट का सिंपल तरीके से कहना है, मॉडरेशन चाहिए। इसका मतलब हमें पसंद है कुछ खाने का तो उसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा खाना है, वो नहीं करना है। जहाँ तक हमारा जो पेट तीन चौथाई भरा हुआ लगता है तब बंद कर लेना चाहिए। तो आप जो भी खाना खा लीजिए बट मॉडरेशन में खा लीजिए। और लास्ट वन है फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। वो है कि 30 मिनट का वॉकिंग करना है हफ्ते में 5-6 दिन, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, और दो हफ्ते में थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग कर लेना ताकि आपका मसल बिल्ड हो जाए। और लास्ट इस स्ट्रेस मैनेजमेंट, गुस्सा कम कर लीजिए, दूसरे के ऊपर जो व्हाट वी कॉल एज सप्रेस्ड हॉस्टिलिटी, किसी का पसंद नहीं है, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, उसको हम मन में रख लेते हैं, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही प्रॉब्लम
खतरनाक हो सकती है। एक बार नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम है प्रभाकरन, डॉक्टर प्रभाकरन। मैं कार्डियोलॉजिस्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। आजकल रिसर्च कर रहा हूँ कि इंडियंस, भारतीय लोगों में हार्ट अटैक और डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा है।